हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मनिका क्रिएशंस। तो ये लास्ट वीडियो है मेरे कोर्स सेट के कटिंग और स्टिचिंग सीरीज़ का, जिसमें मैं बॉटम की स्टिचिंग बताऊंगी किस तरीके से करनी है। इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा कर के देख सकते हैं। उसमें प्रॉपरली डिटेल में बताया गया है कि किस तरीके से कटिंग और टॉप की स्टिचिंग होनी चाहिए। तो प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच यूनिक ड्रेसेस आइडियाज। थैंक यू। तो सबसे पहले हमें बेल्ट पार्ट को ज्वाइन करना है। यहाँ पर ये देखेंगे, इस तरीके से हमें एक दूसरे के ऊपर रख कर के उसको साइड से ज्वाइन करना है। सेम उसी तरीके से इलास्टिक पार्ट को भी ज्वाइन करेंगे। पहले फैब्रिक स्टिच करेंगे, उसके बाद साइड से हमें इलास्टिक को अटैच करना है। और ये हमारे बॉटम के पीसेस हैं। सबसे पहले हमें सेम प्रिंट वालों को एक साथ ज्वाइन करना है, उनका आसन ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर सेम प्रिंट के फ्रंट और बैक पैनल को साथ में रख के ज्वाइन करना है। और यहाँ पर इस तरीके से किनारे की सिलाई लगाएंगे पहले फैब्रिक पे, उसके बाद हमें इलास्टिक अटैच करना है। इस तरीके से पहले साइड में स्टिच करेंगे दोनों साइड में, उसके बाद इसको फोल्ड करके, फैब्रिक फोल्ड करके, उसके बाद ऊपर से स्ट्रेच करते हुए एक सिलाई लगानी है। ये देखिए, इसको ध्यान से करेंगे किनारे का फैब्रिक। ये ध्यान रखना है हमें आगे पीछे ना आए, एकदम सेंटर पे आना चाहिए। अब यहाँ पर स्ट्रेच करते हुए हमें स्टिच करना है। इस तरीके से ये स्ट्रेच हो जाएगा। अब हमें प्लीट्स बनाने हैं, एक सिंगल प्लीट बनेगी, फ्रंट पार्ट में बनेगा बस। तो दोनों ही फैब्रिक के फ्रंट पोर्शन में हमें एक एक प्लीट बनानी है। अब यहाँ पर हम आसन ज्वाइन करेंगे। ये हमारा फ्रंट पोर्शन रेडी है। ये बेल्ट है, इसे मैं सेंटर में एक नॉच बना लूँगी ताकि सेंटर से ज्वाइन करने में इजी हो। सबसे पहले हमें सेंटर से ही ज्वाइन करना है ताकि एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो हमें कट कर सकते हैं बाद में। इस तरीके से पहले सेम प्रिंट वालों को साथ में रख के सेंटर पॉइंट मिला करके हमें एक साइड स्टिच करना है एंड देन दूसरी साइड। सेम इसी तरीके से हम दूसरे इसी को पलट देंगे, बेल्ट पोर्शन को ही पलट देना है। और इसके बाद हमें बैक पोर्शन भी, मीन्स बैक पोर्शन ही सेकेंड फैब्रिक जो हमने लिया है अंदर जो रहेगा उसको स्टिच करना है। सेम ऐसे ही बैक पोर्शन के लिए करना है। यहाँ पर इलास्टिक ज्वाइन करनी है तो इसके लिए सेम प्रिंट वालों को अंदर की तरफ रख करके इस तरीके से स्टिच करना है दोनों पोर्शन को। और ये हमारा बेल्ट पोर्शन के साथ फ्रंट और बैक पीस अटैच हो चुका है। इसको हम अंदर की तरफ रख कर के इस तरीके से प्लेस करेंगे एंड देन हमें किनारे को ज्वाइन करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये बेल्ट पोर्शन थोड़ा सा अभी के लिए छोड़ देंगे बिकॉज हमें इसको भी फ्लिप करके सिलाई लगानी है, तो इसको बाद में करेंगे। पहले थोड़ा सा पोर्शन छोड़ के उसके बाद सिर्फ हमें किनारे किनारे की सिलाई लगानी है। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी हमें सिलाई लगा देनी है। और ये बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसमें पॉकेट भी इंसर्ट कर दें। तो इस तरीके से पीसेस मैंने कट किए हैं, इसको अंदर की तरफ रख करके सिर्फ थोड़ी सी सिलाई लगानी है, किनारे थोड़ा सा छोड़ देना है, पूरी सिलाई नहीं लगानी है। इस तरीके से एक पार्ट यहाँ अटैच करेंगे और दूसरा पीस जो है सेम प्रिंट वाला ही फैब्रिक जो हमने बैक पोर्शन वाला लिया उसके साथ स्टिच करना है। तो इस तरीके से फ्रंट पार्ट अंदर रखते हुए हमें पॉकेट्स अटैच करने हैं। यहाँ पर मैंने नॉच भी लगाया है तो सिर्फ वहाँ से वहाँ तक सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर मैं सेटिंग चेंज कर रही हूँ पॉकेट लगाने के बाद ताकि हम उसको इंटरलॉक कर सकें। ये इंटरलॉक की सेटिंग इनबिल्ट है इस सीविंग मशीन में। तो ये देखिए, ये पॉकेट हमारा लग चुका है। ये देखिए, दोनों पार्ट अटैच हो चुके हैं साथ में। सिर्फ यहाँ तक हमें स्टिच करना है और उसके बाद बेल्ट भी स्टिच करना है। ये देखिए, सिर्फ यहाँ तक पॉकेट को स्टिच नहीं करेंगे। अब ये देखिए, बेल्ट एरिया हमें ध्यान से जो भी सिलाई लगी है उसके साथ साथ लगानी है। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। दोनों टॉप पार्ट की सिलाई एक साथ होना चाहिए, फैब्रिक इधर उधर नहीं जाना चाहिए। इसको इस तरीके से फोल्ड करके पूरी सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, अभी ये थोड़ा सा बच गया है तो इसको अच्छे से फिर से डबल फोल्ड करके
ऊपर वाले फैब्रिक को इसके ऊपर से ला करके तब हमें एक स्टिच यहाँ भी मारनी है। अब हम इसे फ्लिप करके देखेंगे कैसे ये पूरा फिनिश्ड लुक आया है, सब कुछ अंदर की तरफ है। सेम उसी तरीके से हम दूसरे साइड भी स्टिच कर लेंगे। अगेन हमें बेल्ट पोर्शन को पहले छोड़ना है, पहले साइड का स्टिच कर लेंगे, उसके बाद हम ध्यान से देखते हुए कहाँ से सीन मिल रहा है उसको फिर इन्वर्ट करके उसके बाद उसको इस तरीके से स्टिच कर देंगे। उसके बाद जो हमारी इलास्टिक की एक और स्टिचिंग रह गई थी उसको लास्ट में हम एक सिलाई लगा देंगे ताकि इलास्टिक प्रॉपरली सेट हो जाए। अब यहाँ पर हमारी अंदर की स्टिचिंग सारी हो गई है, अब हमें आसन ज्वाइन करने हैं। तो सेम प्रिंट वालों को साथ में ज्वाइन करेंगे दोनों साइड से। अब हम इसको पूरा फ्लिप करेंगे और मोहरी के साइड से हमें इसको सील करना है। तो इस तरीके से फ्लिप करेंगे कि ध्यान रखेंगे कि दोनों फैब्रिक दोनों लेग्स में जाने चाहिए। ये देखिए इस साइड से भी दोनों फैब्रिक दिख रहे हैं और इस साइड से भी दोनों फैब्रिक दिख रहे हैं। तो अब इसको नीचे के साइड हमें थोड़ा थोड़ा सा हाफ हाफ इंच फोल्ड करना है अंदर की तरफ और ऊपर से इसकी एक किनारे की सिलाई लगा देंगे। ये बॉटम पार्ट साइज़ में थोड़ा छोटा है बिकॉज़ मैंने इसको दोबारा से स्टिच किया है जो भी बचा वो फैब्रिक था उससे। तो अब ये देखिए ये पूरा कंसील हो चुका है, हमारा पैंट भी रेडी है। इसको इसमें देखिए पॉकेट्स भी हैं और हम इसको इन्वर्ट करके भी देखेंगे दोनों साइड से। तो अगर आपको ये यूनिक कोट सेट का आइडिया पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।